हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल प्रेम फ्रॉम रिसर्च। तो चलिए देखते हैं कि कल हमारा मार्केट का मोमेंटम कैसे दे सकता है मार्केट। कल के दिन हम थोड़ा सा इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, क्योंकि कल के दिन फिर निफ्टी का एक्सपायरी डेट है और उसके बेसिस पे हम आज के दिन मार्केट एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। मार्केट कल के दिन कैसे बिहेव कर सकता है और हम कैसे इंट्राडे में कामकाज कर सकते हैं उसके बेसिस पे कामकाज देखेंगे। तो कल के दिन हम कैसे कामकाज कर सकते हैं उसके ऊपर हम कुछ नज़र डालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है। और कल के दिन देखिए, बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास कहीं, तो मैं एक ये बोलूँगा कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही है, छोटी सी ट्रेंड लाइन, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट एक ट्रायंगल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ से गैप अप ओपन होता है और थोड़ा सा वेट करके यहाँ से रिट्रेसमेंट देता है, तो मैं यहाँ से बाइंग प्रेफर करूँगा। और मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा 46,360 का फर्स्ट टारगेट होगा, और इसके ऊपर 46,600 का मेरा सेकेंड टारगेट होगा, ठीक है। ये हमने इंट्राडे में कामकाज करने की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट टारगेट मेरा 46,360 और सेकेंड टारगेट मेरा 46,600 तक मेरा सेकेंड टारगेट होगा। ये अपर साइड में लेवल मैंने बताया है, ठीक है। और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो उस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं। देखिए, गैप डाउन ओपन होता है तो मैं क्या करूँगा प्रेफर कि यहाँ से मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। देखिए, यहाँ तक अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट यहाँ से रिट्रेस्ट देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट फिर से डाउन साइड फॉल दे सकता है। तो मेरा जो एवरेज फर्स्ट टारगेट होगा 45,900 का फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट मेरा 45,500 का सेकंड टारगेट, यहाँ पे बड़ा टारगेट में लेके चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट आपको बताया है। और आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्या हो सकता है इस ट्रेड में हम बात करेंगे। देखिए, अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट इस लेवल में ही फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा सा वेट करता है, तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि इस लेवल को अगर मार्केट नीचे की तरफ तोड़ता है तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा 45,924 का फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट मैं यही रखूँगा जो कि है 45,500 का सेकंड टारगेट रखूँगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे होना चाहिए 45,924 और सेकंड टारगेट 45,500। आप यहाँ पे रख सकते हो फर्स्ट टारगेट 45,900 भी रख सकते हो और सेकंड टारगेट 45,500 नीचे की तरफ रख सकते हो। और अपर साइड में जाने के लिए आप मार्केट फ्लैट ओपन होता है उसके बाद मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन अभी यहाँ से आ रही है इस ट्रेंड लाइन को अपर साइड में तोड़ता है, ठीक है, और हॉल्ट या रिटेस्ट करके अपर साइड में निकलने की कोशिश करता है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट टारगेट बना सकते हो 46,200 और सेकंड टारगेट 46,360 और थर्ड टारगेट आप 46,600 भी बना सकते हो, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है, ये तीन टारगेट आपको अपर साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं कल के दिन। सो ये जो लेवल्स मैंने अभी आपको बताए कल के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स कामकाज कर सकते हैं कल के दिन। आप इसको अपने चार्ट में लगा के कल के दिन ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए अभी देखते हैं निफ्टी कल के दिन कैसे मोमेंटम दे सकता है और उस बेसिस पे हम कल के दिन कैसे कामकाज कर सकते हैं। पहले बात करेंगे हम निफ्टी, अगर ओके, अभी हम यहाँ पे निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे निफ्टी में 5 मिनट चार्ट में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि निफ्टी एक डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, कल के दिन ये जो निफ्टी के लिए ये सपोर्ट बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट कल के दिन बन सकता है। सो अभी मैं बात करूँगा, अगर निफ्टी इस लेवल के आसपास गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट करूँगा मैं। यहाँ से इस लेवल को रिटेस्ट करता है और अपर साइड में जाने की कोशिश करता है, तो मैं यहाँ से फर्स्ट टारगेट 19,804 का रखूँगा फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट 19,860 सेकंड टारगेट, और मेरा जो थर्ड टारगेट होगा वो 20,000 तक मार्केट यहाँ पे थर्ड टारगेट में जाना चाहिए, ठीक है। सो ये गैप अप ओपन होने के बाद की बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है छोटा सा यहाँ तक, इसके बाद मार्केट यहाँ पे इस लेवल को रिटेस्ट करता है, ये जो क्रूशियल लेवल मैंने यहाँ पे बताया, इस लेवल को अगर मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर से नीचे आने की कोशिश करता है, तो मैं जो फर्स्ट टारगेट प्रेफर करूँगा 19,563 का फर्स्ट टारगेट और 19,000 का मेरा जो सेकंड टारगेट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है।
यहाँ पे मैंने बताया गैप अप और गैप डाउन होने के बाद आप क्या कर सकते हो। सो अभी बात करेंगे हम मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो उसके बाद हम कैसे कामकाज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है इसी लेवल के आसपास तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से, तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट सपोर्ट बना सकता है और सपोर्ट बना के यहाँ से अपर साइड में जाने की कोशिश कर सकता है। तो आपका फर्स्ट टारगेट ये जो है ट्रेंड लाइन, इसका फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ पे लेना चाहिए। फिर उसके बाद मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, ठीक है, अपर साइड में सस्टेन करता है, तो सेकंड टारगेट आपका 19,804 का, थर्ड टारगेट 19,860 का और फोर्थ टारगेट आपका 20,000 का इजीली कल के दिन अपर साइड में मिल सकता है, ठीक है। सो अभी बात करेंगे यहाँ पे निफ्टी फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है तो हम कैसे कामकाज कर सकते हैं। देखिए इस लेवल के अगर नीचे मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करता है, ठीक है, यहाँ पे हॉल्ट करके नीचे की तरफ मार्केट आने की कोशिश करता है तो नीचे की तरफ 19,563 और 19,000 का आपका सेकंड टारगेट इजीली यहाँ पे कवर हो सकता है। फर्स्ट टारगेट 19,563, सेकंड टारगेट आपका 19,000 का, सेकंड टारगेट आपको इजीली कल के दिन रीच होते हुए दिख सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको निफ्टी के लेवल्स भी इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के दिन के मैंने यहाँ पे बताए, तो आप मेक श्योर आप इस जो भी लेवल्स बताए अपने चार्ट में बनाए रखें और कल के दिन इसी के साथ आप कामकाज कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं फिन निफ्टी में हम कल के दिन कैसे कामकाज कर सकते हैं, क्योंकि फिन निफ्टी का कल के दिन एक्सपायरी होने वाला है। सो हम उसी के बेसिस पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और हम कैसे कामकाज कर सकते हैं वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिन निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, इस लेवल के अपर साइड में आज जो भी रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया है उसके ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा, थोड़ा सा वेट करूँगा, और जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है इस ट्रेंड लाइन को मार्केट अगर अपर साइड में तोड़ेगा तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा 20,600, सेकंड टारगेट होगा 20,652 सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट आप मेरा जो होगा 20,800 के आसपास मेरा जो थर्ड टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ से आप एक बड़ा ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिल रहा है। सो यही पे 20,800 के रेंज में ये ट्रेंड लाइन बन रहा है, सो मेरा थर्ड टारगेट 20,800 तक होगा। अभी गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, और इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो मैं यहाँ पे रेफर करूँगा कि थोड़ा सा मार्केट यहाँ से पुल बैक देगा। पुल बैक देने के बाद आज के दिन जो मार्केट ने क्लोज दिया यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा 20,400 और सेकंड टारगेट मेरा 20,350 का सेकंड टारगेट यहाँ पे बन सकता है, और जो थर्ड टारगेट होगा 320 के आसपास मेरा थर्ड टारगेट यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। गैप अप और गैप डाउन हमने कवर कर लिया है, अभी देखते हैं फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट क्या कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मार्केट इसी रेंज में फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, मार्केट ने एक रेंज बनाया है, इसी रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है और किसी भी हालत में इस अपर साइड में यहाँ पे मार्केट ब्रेकअप देता है तो आपको यही टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है 20,600 फर्स्ट टारगेट, 20,652 सेकंड टारगेट और 20,800 यहाँ पे थर्ड टारगेट अपर साइड में देखने के लिए मिल सकता है। और जैसे ही इस लेवल को मार्केट अपर साइड में निकालने की कोशिश करता है तो एक आपको बेहतरीन ट्रेड कल के दिन अपर साइड में मिल सकता है। सो उसी तरह से मार्केट इस रेंज में इसको नीचे की तरफ तोड़ता है तो आपको यहाँ पे 20,476 फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट 20,320 ये आपको इजीली मिल सकता है। सो अभी मैंने बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स कवर कर दिए। सो ये तीनों लेवल्स आपको कल के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। सो इस जो भी लेवल्स मैंने बताए वो आपके चार्ट में उतार के आप कल के दिन कामकाज कर सकते हो। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिला होगा, तो अगर कुछ वैल्यू आपको मिला होगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन आल पे दबाना ना भूलें, ठीक है।
थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही वैल्यूबल कंटेंट आपको हर दिन मिलते रहेंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पे दबाना ना भूलें। थैंक यू।